स्वागत है आपका एनबीसी न्यूज पर। आज की टॉप 10 खबरों के लिए मैं हूं आपके साथ रत्नाकर। मुंबई पुलिस ने एक शख्स को धमकी भरा कॉल करने के लिए गिरफ्तार किया है। उसने मंत्रालय के लैंडलाइन पर फोन किया और कहा कि एक दो दिन में मुंबई में आतंकी हमला होगा। राज्यसभा में सोमवार को दिल्ली सेवा बिल को लेकर जमकर बहस हुई, उसके बाद बिल पास भी हुआ। आम आदमी पार्टी इस बिल का कड़ा विरोध कर रही थी, इसके बावजूद ये बिल पास हो गया। शिवसेना यूबीटी से विधायक और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे ने चुनाव के मद्देनजर बड़ा दाव चल दिया। उन्होंने कहा है कि अगर राज्य में दोबारा उनकी सरकार बनेगी तो वेस्टर्न एक्सप्रेस और ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे दोनों जगह का टोल बंद कर दिया जाएगा। जयपुर मुंबई एक्सप्रेस में 31 जुलाई को फायरिंग की घटना को अंजाम देने वाले आरपीएफ के कांस्टेबल चेतन सिंह को आज दूसरी बार मुंबई की बोरीवली कोर्ट में पेश किया गया। अभी तक चेतन सिंह के खिलाफ आईपीसी की धारा 302, इंडियन रेलवे एक्ट की धारा 152 के अलावा आर्म्स एक्ट लगाया गया है। दिल्ली सेवा बिल के राज्यसभा से पास होने के एक दिन बाद ही अरविंद केजरीवाल सरकार ने बड़ा कदम उठाया। अरविंद केजरीवाल ने अपने मंत्रिमंडल में आतिशी मारलोना को अब सर्विस और विजिलेंस विभाग की जिम्मेदारी सौंप दी है। टीवी पे चाणक्य का किरदार निभाने वाले मशहूर एक्टर मनीष वाधवा साउथ और बॉलीवुड की फिल्मों में अपनी एक्टिंग से धूम मचा रहे हैं। जल्दी वे सनी देओल की फिल्म गदर 2 में भी नजर आने वाले हैं। रूस ने पूर्वी यूक्रेन के शहर प्रोकोस में मिसाइल से हमला कर दिया। इसमें एक आवासीय इमारत को निशाना बनाया गया, जिसकी वजह से 5 लोगों की मौत हो गई, वहीं 31 लोग घायल हो गए हैं। पाकिस्तान के बलूचिस्तान के केच जिले में सोमवार को बड़ा बम धमाका हुआ, जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई, जिसमें एक वाहन को रिमोट कंट्रोल बम से उड़ा दिया गया। आज भारत और वेस्ट इंडीज के बीच 5 मैचों की T20 सीरीज का तीसरा मुकाबला खेला जाएगा। टीम इंडिया अगर आज हारती तो वो ये सीरीज भी हार जाएगी। स्टर्लिंग चोपड़ा ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें उन्होंने कहा है कि वे राहुल गांधी से शादी कर सकती है। ये रही आज की टॉप 10 खबरें। खबरों का सिलसिला एनबीसी न्यूज पर यूं ही लगातार चलता रहेगा। बने रहे हमारे साथ एनबीसी न्यूज पर। नमस्कार।